बुझो और पहली करनी पहुंची भोजन लल्लर लल्ला लल्लर ला लल्लर लल्ला ला। वाह रिया, बड़ा मजेदार गाना गुनगुना रही हो। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? पता है मजे की बात ये है कि भोजन के घटकों के नाम गुनगुनाते हुए बड़ी ही आसानी से याद हो गए मुझे। इन घटकों के कार्य और स्रोत भी यूं ही याद हो जाए तो मजा दुगना हो जाए। लो, कर देते हैं तुम्हारा मजा दुगना, अभी लो। बूझो बोला, पता है मुझको नाम भोजन के घटकों के, जो है सभी जरूरी हमारे तुम्हारे जीवन के। माँ ने बोला, चलो हम जानिए इनके स्रोत नाम और काम, पोषक तत्वों से भरपूर इनकी जरूरत सबको समान। कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम है ऊर्जा देना, दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने की ताकत देना। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है आलू गन्ना गेहूं और चावल, जाने इनको बिना गवाए हम एक भी पल, जाने इनको बिना गवाए हम एक भी पल। वसा के स्रोत है दोनों, पेड़ पौधे जंतु, दूध घी मक्खन तेल मछली अंडे खाकर शक्तिमान बंतु, शक्तिमान बंतु। प्रोटीन का काम है करना शरीर की वृद्धि, इसके नियमित सेवन से होती स्वास्थ्य सिद्धि। अब आता है विटामिन जो करता शरीर की रक्षा, भिन्न भिन्न विटामिन करे रोगों से सुरक्षा, हाँ रोगों से सुरक्षा। विटामिन ए रखता है दमकती आंखें और चमकती त्वचा, इसकी कमी से होती क्षीण दृष्टि और शुष्क त्वचा। आम पपीता गाजर पीले फल सब्जी है इसके स्रोत, इनका सेवन रखे बचा कर आँखों की हमारी ज्योत, इनका सेवन रखे बचा कर आँखों की हमारी ज्योत। विटामिन बी देता है पेशियों को मजबूती तेरी मेरी, लेकिन इसकी कमी से होती है बीमारी बेरी बेरी। खट्टे खाद्य पदार्थ देते हैं भरपूर विटामिन सी, जिसकी कमी से होता है भयानक रोग स्कर्वी, भयानक रोग स्कर्वी, भयानक रोग स्कर्वी। विटामिन डी रखे हमारी हड्डियाँ और दांत सुरक्षित, इसकी कमी लाए रिकेट जिसमें हो हड्डियाँ लक्षित। दूध मक्खन अंडे मछली से विटामिन डी है आता, और हमारा शरीर स्वयं भी विटामिन डी है बनाता, विटामिन डी है बनाता, विटामिन डी है बनाता। कमजोर हड्डियों और दंत क्षय का कारण होता है कैल्शियम की कमी। जानकर भी हम न करें इसके स्रोतों का सेवन, ये बात नहीं जमी। घेंगा की बीमारी जिसका लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और इससे बचने का तरीका है आयोडीन वाला नमक खाना। हाँ, आयोडीन वाला नमक खाना। लौह तत्व की कमी देती है अरक्तता की बीमारी, इसके स्रोतों का न हो सेवन तो रहेगी बीमारी जारी। आहारी रेशा करे आहार नाल में भोजन की गति को आसान,
और इसी वजह से होता है रुक्षांश का गुणगान। क्या? रुक्षांश का गुणगान। बूझो गया सोच में गहरी और फिर जोर से बोला, कैसे खाऊं मैं इतना कुछ, मैं बन जाऊंगा गोला। और माँ बोली, नहीं जरूरत सब कुछ अलग अलग खाने की, हर भोज पदार्थ में है कई घटक, तो क्या जरूरत इतना खाने की। ये सभी घटक है हमारे जीवन का आधार, इनके बिना ना होगी हमारे स्वास्थ्य की नैया पार। ये सभी घटक है हमारे जीवन का आधार, इनके बिना ना होगी हमारे स्वास्थ्य की नैया पार। स्वास्थ्य की नैया पार, स्वास्थ्य की नैया पार। क्यों अमन, कैसी रही? बहुत खूब रिया। अमन, मेरी माँ कहती हैं हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, वरना हमारी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। और संतुलित आहार के बारे में जानना हमारी उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अब पता चला वो ऐसा क्यों कहती है। तो दोस्तों, बूझो और पहेली ही क्यों, हम भी जान चुके हैं भोजन के घटकों के कार्य और उनके ना खाने का नुकसान। तो अब से खाएंगे हम वो सब जो हमारे शरीर को रखे स्वस्थ।